आज की वीडियो में हम आपको बाबा साहब के 72 अनमोल वचन बताएंगे, जिसके बारे में प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर के वो कौन से वचन हैं। नंबर एक, शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। नंबर दो, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नंबर तीन, अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। नंबर पांच, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। नंबर छह, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। नंबर सात, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। नंबर आठ, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर नौ, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। नंबर दस, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। नंबर 11, यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। नंबर 12, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। नंबर 13, यदि आप मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। नंबर 14, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। नंबर 15, जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। नंबर 16, धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। नंबर 17, मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। नंबर 18, आप स्वाद को बदल सकते हैं परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नंबर 19, हम आधी से अंत तक भारतीय हैं। नंबर 20, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं, यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। नंबर 21, महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। नंबर 22, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। नंबर 23, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। नंबर 24, मनुष्य नश्वर है उसी तरह विचार भी नश्वर है, एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। नंबर 25, पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है, इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। नंबर 26, इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। नंबर 27, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। नंबर 28, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 29, हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए यह जरूरी है। नंबर 30, मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। नंबर 31, एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। नंबर 32, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। नंबर 33, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। नंबर 34, कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता, मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। नंबर 35, अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए ज्यो। नंबर 36, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। नंबर 37, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। नंबर 38, राष्ट्रवाद सभी औचित्य ग्रहण कर सकता है
जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। नंबर 39, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। नंबर 40, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। नंबर 41, एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो, जो आवश्यक है वह है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन और गहन विश्वास। नंबर 42, हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। नंबर 43, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। नंबर 44, स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। नंबर 45, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। नंबर 46, आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। नंबर 47, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अदानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। नंबर 48, मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। नंबर 49, हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं सत्यनिष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। नंबर 50, समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। नंबर 51, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नंबर 52, समाज को श्रेणी विहीन और वर्ग विहीन करना होगा क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। नंबर 53, जिसके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। नंबर 54, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का एक माध्यम है। नंबर 55, एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। नंबर 56, संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। नंबर 57, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। नंबर 58, देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। नंबर 1, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। नंबर 59, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। नंबर 60, मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। नंबर 61, भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो, भाग्य में विश्वास रखने की बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। नंबर 62, एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। नंबर 63, धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। नंबर 64, इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। नंबर 65, हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। नंबर 66, निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। नंबर 67, मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। नंबर 68, उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। नंबर 69, देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। नंबर 70, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। नंबर 71, पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। नंबर 72, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।